हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पार्ट टू ऑफ चैप्टर थ्री, मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. स्टूडेंट्स, इन आवर फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. इस वीडियो में हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन. बर्निंग इन एयर और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर ब्लैक इन नेचर. देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, इसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह रहे हैं, बर्निंग इन एयर और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, यानी व्हेन एवर मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड. इसी बात को यहां पर लिखा गया है एक इक्वेशन के फॉर्म में, कि मेटल्स प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड. एंड दीज मेटल ऑक्साइड आर ब्लैक इन नेचर. ये नेचर में कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. देखिए, एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने हीट अप किया तो दे विल फॉर्म Al2O3. इसने क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, एक बात याद रखनी जरूरी है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. कि जो मेटल ऑक्साइड आते हैं होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, वो होते हैं बेसिक नेचर के. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल, कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज ऑल्सो अ ब्लैक ऑक्साइड. जब कॉपर को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप करते हैं, उसका कंबशन होता है, तो ये भी क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड. और ये कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है. ठीक है, अब एक एक्सेप्शन है कि मैंने आपको बताया कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. ठीक है ना, अब उसको ध्यान में रखता एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं, कि सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक. देखिए, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एग्जाम्पल दे दिया इसने, और एक जिंक ऑक्साइड एग्जाम्पल दे दिया. ये दोनों टाइप के नेचर शो करेगा, दोनों टाइप के बिहेवियर शो करेगा. ये एसिडिक भी शो करेगा और बेसिक भी शो करेगा. ठीक है ना, सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करे, सॉल्ट फॉर्म करे और क्या प्रोड्यूस करे, वाटर प्रोड्यूस करे. ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, दीज मेटल ऑक्साइड आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके एग्जाम्पल हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं. अब एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद बेस एंड एसिड. अब देखिए, यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, इसका हम एसिड के साथ भी रिएक्शन देखेंगे और इसका हम बेस के साथ भी रिएक्शन देखेंगे. तो हमने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. अब मेटल ऑक्साइड है तो कैसा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का प्लस अब इसका रिएक्ट कराएंगे हम एक एसिड से, और एसिड यहां पर हमने लिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो वेन एवर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे विल प्रोड्यूस AlCl3, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर H2O. अब ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये क्या है आपका, एक तरीके का सॉल्ट है. ठीक है, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम रिएक्शन देखेंगे बेस के साथ. ऊपर हमने एसिड लिया, अब हम देखेंगे बेस के साथ Al2O3. अब ये बेसिक नेचर का भी होता है क्योंकि एम्फोटेरिक है, प्लस 2NaOH. इसको हाँ, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और कैसे नेचर का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर का. तो एसिड प्लस बेस, भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई कि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर. जैसे ऊपर था बेस प्लस एसिड सॉल्ट और वाटर, तो ऐसे यहां पर एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, 2NaAlO2. इसका मतलब क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट. और ये क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, सॉल्ट प्लस H2O वाटर.
मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड नोन एज एल्कलाई। देखिए मेटल ऑक्साइड वैसे तो क्या होते हैं वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, और लेकिन कुछ डिजॉल्व होकर क्या फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं एल्कलाई के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज एज फॉलो। अब देखिए दोनों दो दो एग्जाम्पल ले लिया हमने, सोडियम ऑक्साइड ले लिया पोटेशियम ऑक्साइड लिया, दोनों मेटल ऑक्साइड है ठीक है। ये सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या एक एल्कलाई है ठीक है ना, एक हाइड्रोक्साइड है एक एल्कलाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड एनिवेज। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी सेम एज सिमिलर मैनर के अंदर वाटर से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या ठीक है KOH, और ये भी क्या एक तरीके का एल्कलाई है। एक नोट है यहाँ पे कि एल्कलाइज आर बेसिस दैट डिजोल्व इन वाटर। एल्कलाइज क्या होते हैं बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और मेटेलिक ऑक्साइड का कैसा नेचर का होता है बेसिक नेचर का होता है, तो मेटेलिक ऑक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन रहेगा वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा ब्लू में। क्यों कर रहा है क्योंकि मेटल ऑक्साइड का कैसे नेचर का है बेसिक नेचर का है, और बेसिक नेचर वाले क्या करते हैं रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू के अंदर ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट रेट्स। देखिए डिफरेंट मेटल्स का जो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन रिएक्ट करने का जो रेट है ठीक है वो भी क्या होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है सभी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पर ही रिएक्ट करेंगे, यानी एक जैसा बिहेवियर के साथ रिएक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी मेटल्स का रिएक्शन जो रेट है ऑक्सीजन के साथ वो भी डिफरेंट है। सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर इफ लेफ्ट इन द ओपन। देखिए अगर हम सोडियम और पोटेशियम सोडियम Na और पोटेशियम K की बात करें तो अगर ये इतने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स होते हैं कि अगर हम इनको ओपन में रख दें तो इट कैचेस फायर इजीली, ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फायर कैचअप कर लेते हैं ठीक है ना। तो हम इसको ओपन एयर में भी नहीं रख सकते, ये बहुत डेंजरस होता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर इफ लेफ्ट इन द ओपन हैंड्स, दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, इसलिए इनको क्या कहा गया है मेटल्स के अंदर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहा गया है ठीक है, किसको सोडियम और पोटेशियम को। टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दीज मेटल्स आर कैप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। और कोई एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इनको किस में रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके रखा जाता है, जिससे कि ये डायरेक्ट ऊपर एयर के कांटेक्ट में ना आए और फायर कैच नहीं करें। मैग्नीशियम बर्न इन एयर ओनली बाय हीटिंग। अब देखिए सोडियम और पोटेशियम ये अलग मेटल है, इनको तो एयर के कांटेक्ट में आने से ओपन में रखते ही क्या कर लेते हैं फायर पकड़ लेते हैं फायर कैचअप कर लेते हैं। अब अगर हम दूसरे मेटल की बात करें मैग्नीशियम की तो देखिए इसका रेट अलग है, यह ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर ओनली बाय हीटिंग, मैग्नीशियम कब बर्न करेगा जब हम इसको हीटअप करेंगे एयर में, इसको ओपन में रख देंगे तो ये फायर कैचअप इजिली नहीं करेगा, ये तभी फायर कैच करेगा जब हम इसको हीटअप करेंगे। जिंक बर्न्स ओनली ऑन अ स्प्रिंग हीटिंग व्हाइल आयरन डज नॉट बर्न इन द फॉर्म ऑफ रॉड और ब्लॉक बट बर्न्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम्स। अब देखिए जिंक जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर ही क्या होगा बर्न होगा, और एफी आयरन जिसे हम बोलते हैं डज नॉट बर्न इन द फॉर्म ऑफ रॉड और ब्लॉक बट बर्न इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग्स, ये इजीली नहीं बर्न होता है ब्लॉक्स की फॉर्म में जैसे आपके जिंक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेटल्स हैं उनका जो बर्निंग प्रोसेस है या उनका ऑक्सीजन के साथ जो रेट है रिएक्शन का कंबशन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन का वो भी डिफरेंट होता है। कॉपर डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट ब्लिस्टर कॉपर बर्न। देखिए कॉपर जो होता है वो हीटिंग पे बर्न नहीं होता बट ब्लिस्टर कॉपर क्या होगा वो बर्न हो जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सिल्वर और गोल्ड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट
नहीं करते हैं, इसलिए हम इजीली उसके ऑर्नामेंट ज्वेलरी बना के बनाते हैं और आराम से उनको कहीं भी पहन के जा सकते हैं, क्योंकि इजीली ओपन में रख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई हार्मफुल कोई रिएक्शन होगा नहीं, डिस्ट्रॉय डिडक्शन कुछ होगा नहीं। हैंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स विथ ऑक्सीजन इज, अब देखिए ये मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का एक ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा कौन रिएक्ट करता है, सोडियम करता है, देन मैग्नीशियम Mg करता है, देन जिंक Zn, उसके बाद आयरन Fe, देन कॉपर Cu और लास्ट में Ag। यानी अगर एक ऑर्डर की हम बात करें तो मेटल्स जो सबसे ज़्यादा रेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का है वो है सोडियम का, और सबसे कम जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो है आपका सिल्वर। नेक्स्ट टॉपिक एनोडाइजिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। ठीक है, तो किसी भी मेटल के सर्फेस पर एक थिक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होना, होने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है आपका एनोडाइजिंग। यानी कोई भी मेटल है उसके सर्फेस पर क्या चारों ओर क्या फॉर्म हो जाए, एक मेटल ऑक्साइड की थिक लेयर। और अगर हम किसी प्रोसेस के थ्रू ऐसा करते हैं तो प्रोसेस कहलाता है हमारा एनोडाइजिंग। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल लाइक जिंक एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो जिंक और एल्यूमिनियम होते हैं ये इनके चारों ओर ये किससे कवर्ड होते हैं, ये ऑक्साइड की थिन लेयर से कवर्ड होते हैं। दिस ऑक्साइड लेयर इज प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये जो मेटल्स के चारों ओर जो थिन ऑक्साइड की लेयर है ये इसको इस मेटल को प्रोटेक्ट करती है और फर्दर ऑक्सीडेशन से इसका प्रिवेंट करती है। दिस लेयर कैन बी मेड मोर थिक बाय एनोडाइजिंग इन दिस प्रोसेस। अगर हम इस थिन लेयर को ऑक्साइड की जो थिन लेयर है मेटल्स के ऊपर यानी जिंक के ऊपर और एल्यूमिनियम के ऊपर, अगर हम इसको चाहें कि हम इसको बहुत ज़्यादा थिक कर दें और ज़्यादा मोटा कर दें तो हम किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, हम एनोडाइजिंग प्रोसेस के थ्रू इसको और ज़्यादा थिक कर सकते हैं इस थिन लेयर को। दिस लेयर कैन बी मेड मोर थिक बाय एनोडाइजिंग इन दिस प्रोसेस। क्लीन मेटल इज टेकन एज एनोड एंड डायल्यूट H2SO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम उस एनोडाइजिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो जिस मेटल को हमको के ऊपर हमको थिक लेयर डिपॉजिट करनी है उस मैटर को लेंगे हम एज अ एनोड और उसको किसके अंदर इमर्स करेंगे, डायल्यूट H2SO4 के अंदर, जो कि एक तरीके का किसकी तरह काम करेगा, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड O2 गैस इज लिबरेटेड। देखिए हमने क्या करा, एनोड ले लिया उस मेटल को जिसके ऊपर हमको थिक लेयर डिपॉजिट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जिंक एल्यूमिनियम कुछ भी ले लीजिए आप, वो मेटल ले लिया उसको और हमने एज ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसको लिया है, H2SO4 को। जैसे हमने करंट पास की तो H2SO4 जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उससे क्या लिबरेट होगी, उससे लिबरेट होगी ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट सरफेस। और ये ऑक्सीजन लेयर कहाँ डिपॉजिट होगी, उस क्लीन मेटल के ऊपर जिसके ऊपर हमको थिक लेयर का फॉर्मेशन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन लेयर उस मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाती जाएगी, मेटल ऑक्साइड की एक थिक लेयर। तो ये होता है आपका एनोडाइजिंग प्रोसेस। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल्स की, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। देखिए फर्स्ट ऑक्सीजन से देखिए, सेकंड हम वाटर से देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व फर्दर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो मेटल हाइड्रोक्साइड। All metals do not react with water as the metals placed lower in the reactivity series are less reactive towards water. देखिए सभी metals water के साथ react नहीं करेंगे, जैसे जो reactivity series की जो table होती है उसमें जो metals least reactive होते हैं, lower position में होते हैं, वो water से भी less reactive होते हैं वो water के लिए भी।
तो यहाँ पर एक इक्वेशन के थ्रू इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है कि मेटल प्लस वाटर, मेटल ने किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो उसने बनाया मेटल ऑक्साइड, और क्या रिलीज करी, हाइड्रोजन गैस। और अगर ये मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर से अगेन रिएक्ट कराते हैं हम इसको आगे, तो ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब फर्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉयलेंटली विथ कोल्ड वाटर। देखिए पोटेशियम और सोडियम जो दो मेटल्स हैं ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम पोटेशियम द रिएक्शन इज वेरी वॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक, यानी बहुत वॉयलेंट रिएक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करेंगे, इसलिए इसको हमने बोला है ये कैसी रिएक्शन को नाम इस ऐसी रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम है कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करा, इसने क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और ये मेटल ऑक्साइड अगर लंबे टाइम के लिए वाटर में रहता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो ये पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज करी, और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करी, इसलिए, और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसमें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा भी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पोटेशियम के अलावा सोडियम भी है, अगेन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज मेटल ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड ऑल्सो रिलीज अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। द हीट इवॉल्व इज सफिशियंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। अभी जो हीट का जो अमाउंट है जो रिलीज हो रहा है, ये हाइड्रोजन को फायर कैच करने के लिए बहुत सफिशियंट होता है। दैट्स वाई एन एन के कैच फायर वैन कैप्ट इन वाटर। यही कारण है कि हम सोडियम और पोटेशियम को वाटर के अंदर नहीं रखते, हम किसमें इमर्स करके रखते हैं इसको, केरोसिन के अंदर। क्योंकि अगर हमने सोडियम और पोटेशियम को वाटर के अंदर इमर्स कर दिया तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा इनके हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा और हीट एनर्जी भी रिलीज होगी, और ये हीट एनर्जी हाइड्रोजन के लिए सफिशियंट होगी फायर कैचअप करने के लिए। इसलिए हम इसको किसमें इमर्स करके रखते हैं, केरोसिन के ऑयल के अंदर। बोथ दिस मेटल आर कैप्ट इन केरोसिन इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विद बोथ एयर एंड वाटर। इसलिए हम इन दोनों मेटल्स को केरोसिन ऑयल के अंदर कैप करके रखते हैं, जिससे कि ये ना ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आए और ना ही ये एयर के कॉन्टेक्ट में आए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट। अब देखिए सोडियम और पोटेशियम जहां बहुत ज्यादा हाईली वॉयलेंट होते हैं, वहीं दूसरी ओर जो कैल्शियम है आपका वो लेस वॉयलेंट है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, यानी इसमें जो हीट इवॉल्व होती है जो रिलीज हो रही है, ये इससे हाइड्रोजन फायर को कैचअप नहीं कर सकता है। इसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसने बना लिया इसने अपना मेटल हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्या रिलीज करी, हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन में क्या है, बहुत लेस वायलेंट है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो हीट ज़्यादा अमाउंट में रिलीज नहीं हुआ। कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कैल्शियम होता है ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। अब कैल्शियम वाटर के ऊपर, मेटल वाटर के ऊपर कैसे फ्लोट कर रहा है, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब कैल्शियम वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में होगा, बबल फॉर्म में। तो वो क्या करेगा, जो इसके बबल्स होंगे वो इस कैल्शियम के लोअर सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे। स्टिक होने से जो कैल्शियम है ये वाटर के अंदर सिंक नहीं करेगा, ये इसके ऊपर इजिली फ्लोट करेगा। तो मेन हाइड्रोजन गैस के बबल्स की जो कैल्शियम के लोअर सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं, इस वजह से कैल्शियम है वाटर के अंदर इजिली फ्लोट करता है। थर्ड इज मेटल लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। देखिए अब कुछ मेटल्स हैं तो ऐसे होते हैं जो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे और ना ही हॉट वाटर से। दे रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम ऑफ वाटर, क्या बनाया इसने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ऑल्सो रिलीज हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जाम्पल है आयरन रिलीज विद रिएक्ट विद स्टीम, वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया, फेरस ऑक्साइड Fe3O4 प्लस
फोर एच टू है। तो ये रिएक्शन भी आपको याद करने वाली है, इनको ध्यान में रखना होता है। फोर्थ, लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वॉटर एट ऑल। देखिए लेड कॉपर और सिल्वर और गोल्ड है, ये जो मेटल्स हैं ये ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे और ना ही स्टीम से रिएक्ट करेंगे। दस द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल टूवर्ड्स वाटर इज। अब देखिए ये एक अरेंजमेंट है मेटल्स का, वाटर के रिएक्टिविटी इनके ऑर्डर है कि मेटल वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं। वाटर से रिएक्ट करने के रिगार्डिंग इनका एक ऑर्डर रिप्रेजेंट किया गया है कि सबसे ज्यादा हाईली रिएक्ट जो करता है वाटर से वो करता है पोटेशियम, फिर सोडियम, देन कम उससे लेस कैल्शियम, उससे लेस मैग्नीशियम, उससे लेस एल्यूमिनियम, उससे लेस आयरन, उससे लेस लेड, उससे लेस कॉपर, उससे लेस सिल्वर एंड लास्ट AU गोल्ड। तो मींस हाईली वाटर के रिगार्डिंग सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा हुआ, सोडियम पोटेशियम हुआ, और सबसे लीस्ट कौन सा हुआ आपका गोल्ड हुआ। अब एक नोट है, लिथियम मेटल इज नॉट कैप्ट इन केरोसिन ऑयल इवन इट इज वेरी रिएक्टिव। देखो लिथियम भी क्या है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, हम किसको रखते हैं ओनली सोडियम और पोटेशियम को। दिस इज बिकॉज लिथियम हैज लेसर डेंसिटी देन केरोसिन, क्योंकि लिथियम की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू केरोसिन, ड्यू टू विच इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस। देखिए सोडियम और पोटेशियम जो होता है इनकी डेंसिटी वाटर से केरोसिन ऑयल से ज्यादा होती है, तो इजिली इमर्स हो जाते हैं, आराम से डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं केरोसिन के अंदर। लिथियम भी हाई होता है लेकिन इसकी डेंसिटी केरोसिन से कम है, केरोसिन ऑयल से कम होने पर ये से इमर्ज नहीं हो पाएगा, ये केरोसिन ऑयल के ऊपर फ्लोट करेगा। अब फ्लोट करेगा तो क्या होगा, ये इजिली डायरेक्टली एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, ड्यू टू विच इट फ्लोट ऑन द सर्फेस, सो पैराफिन वैक्स स्ट्रिप्स आर यूज टू स्टोर इट। इसलिए केरोसिन ऑयल यूज ना करके लिथियम के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैराफिन वैक्स स्ट्रिप। थैंक यू।